बेसिकली हमारा बढ़ाता है, मतलब ये हाइपो है, हाइपो कैल्केटोनिन है, और ये पैराथायरॉइड वाला हाइपर कैल्केटोनिन है, उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया है, और उसके बाद थायरो कैल्केटोनिन मिनरलाइजेशन करता है, पैराथायरॉइड डीमिनरलाइजेशन करता है, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है मेरा थायरो पैराथायरॉइड, और ब्लड में कैल्शियम घटाता है थायरो कैल्केटोनिन। कुछ नीचे बन गया है। हाँ सर, इतना ही हो सकता है सर, और क्या होगा? कैल्सीटोनिक जो है वो बेसिकली ये मेरा थायरोक्सिन, नहीं, ये क्या है, को बोलते हैं पॉलिकल सेल्स जो होते हैं सी टाइप के, वो सीक्रेट करते हैं। फॉलिकुलर सी टाइप सेल, और पैराथायरॉइड में नहीं पता है, वो पीछे में पैराथायरॉइड करते हैं सब, क्या है पता नहीं। ओके समझे, दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। बोलो, एक और चीज़ याद रखना बेटा, अगर बोन की डेंसिटी यस सर, को बोन की डेंसिटी कम होती तो कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये होती है सर बोन की हाइपो तो कौन कराएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस? पैराथायरॉइड अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो बेटा हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, और ज़्यादा कैल्शियम बढ़ भी गया बेटा, हाँ, और ज़्यादा कैल्शियम बढ़ा भी दिया, अगर सोचो ब्लड में अगर कैल्शियम बढ़ा भी दिया पैराथायरॉइड ग्लैंड ने, तो उससे भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा बेटा, क्यों, कैल्शियम बढ़ जाएगा मसल्स में, है कि नहीं? तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं बैलेंस बनाने के लिए। दोनों का इधर उधर होने से या तो मसल्स पर असर पड़ता है बेटा, और रनिंग पे मसल मूवमेंट में असर करता है, फिर बाद में बोन्स पे असर करता है, ये दो चीज़ पे खास करके असर करता है दोनों। अगर ब्लड में बढ़ा तो मसल्स पे असर करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में थायरोकैल्सिटोनिन तो मदद कर रहा है बेटा, उसमें कम हो जाता होगा ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, हाँ, उसका लेवल बढ़ाया जाए तो बोन कैल्शियम ज़्यादा जाके ऐड किया जाएगा बोन पे, तो शायद बोन वापस ठीक हो जाए, लेकिन एजिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था बेटा, हमेशा हार्मोन कम हो जाते हैं, इसकी वजह से गड़बड़ होती है, ये सब बोन्स वीक हो जाते हैं एजेड पर्सन के। ओके ठीक, हाँ ये बात तो सही है, वीक हो जाते हैं तो सर ये भी तो इसी की वजह से हो रहा है ना, थायरोकैल्सिटोनिन। हाँ, ये दोनों की वजह से होता है बेटा, जब दोनों में बैलेंस नहीं बनता ना तब जाके ये प्रॉब्लम्स आती हैं बोन की डेंसिटी कम होने की। और दूसरी चीज़, जब हमारे बॉडी में हम कैल्शियम नहीं डालते हैं ना तब भी ये कमी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए तो कहाँ से लेगा, वो बोन को तोड़ के ही लेगा, समझ में आई बात? तो अगर हम हमारे डाइट में ज़्यादा कैल्शियम डालें तो बेटा बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, अभी कोई डाउट बोलो जल्दी। दूध पीना सही है तो है। नहीं, हाँ सर, ये मतलब टूट के फॉर्मेशन में ये हार्मोन काम आता है क्या? टीथ किसके फॉर्मेशन में? के फॉर्मेशन में सर, हाँ दांतों के हाँ टीथ फॉर्मेशन के में। फॉर्मेशन में ये कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट उसमें होता है। फॉर्मेशन तो बेटा पहले से टीथ बड्स बनते हैं, वो तो आपके मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस का पार्ट है, लेकिन हाँ बनते ये कैल्शियम से हैं, ठीक है। नहीं, ये टीथ में नहीं बढ़ता बेटा, टीथ एक बार बन गया ना, टीथ एक बार बन गया तो उसके अंदर कैल्सिफिकेशन मेरा जो मानना है नहीं होता है, ठीक है, एक बार वो परमानेंट बन गया, बोन्स में होता है। क्यों नहीं होता है? अगर होगा तो बेटा कैल्शियम रिप्लेसमेंट तो नहीं होता है, एक बार टीथ बन जाता, टीथ थोड़ा हार्ड रहता है, टीथ का जो ऊपर का सरफेस है डेंटाइन होता है और एनेमल बोलते हैं, वो बहुत हार्ड रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट दोनों एक ही बार डिपॉजिट होके बन जाता है, और नीचे का पार्ट वीक रहता है, ठीक है, और कैल्शियम सप्लाई के लिए ब्लड नहीं होता वहाँ पे, ब्लड सिर्फ होता है अच्छा, बोन्स
कुछ सेल्स को जिंदा रखने के लिए जो कि इसको पकड़ के रखते हैं, सीमेंटम मसल्स होते हैं। चलिए देखिए आगे। अब T3 T4 बनते कैसे हैं? थायराइड्स के जो फॉलिकल हैं, क्या बोला? थायराइड के फॉलिकल्स पता ही होगा तुमको किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो क्या करेंगे भाई, ट्रैप कर लेंगे। क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। किसको ट्रैप करेंगे? आयोडीन को। ओके, किसको ट्रैप कर लिया? आयोडीन को ट्रैप कर लिया। कहाँ से ट्रैप करेंगे आयोडीन, बोलो सर? ये आयोडीन ट्रैप करेंगे बेसिकली ब्लड से। बहुत अच्छे, फ्रॉम ब्लड ट्रैप कर लिया ब्लड के अंदर से। और कहाँ ले गए इसको? साइटोप्लाज्म में। कहाँ ले गए? साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म, जो कि क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स नहीं थे बेटा, उनके साइटोप्लाज्म में लेके चले गए। ओके ओके, तो बेटा एक चीज़ याद रखना, हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो आयोडीन है बेटा, इन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर कोई बोले, क्वेश्चन आ जाए बेटा नीट में, सबसे ज़्यादा आयोडीन कहाँ प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे आप? फॉलिकुलर सेल्स, या तो फॉलिकल्स ऑफ थायरॉयड, ठीक है? अब बेटा बनाता क्या है वहाँ पे साइटो, यहाँ पे एक चीज़ बनती है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। क्या बनता है साइटोप्लाज्म में? थायरोग्लोबुलिन। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन है, हाँ हेलो, आप जितना एक्सप्लेन करो यहाँ तक, कभी समझा दे कुछ देखिए। अभी दिख रहा है ये लिखा ना बेटा मैंने, देखो ना, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है? अभी तो देखो, जो थायरोग्लोबुलिन है बेटा TGB, ये फॉर्म होते हैं किससे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन बनाता है थायरोग्लोबुलिन? रफ इंडोप्लाज्मिक, ठीक है? ओके, और ये मिक्स हो जाता है बेटा, इसमें जब हम जोड़ते हैं आयोडीन और टायरोसिन को, किसको जोड़ते हैं? थायरोग्लोबुलिन में प्लस करते हैं क्या? आयोडीन, और उसके साथ प्लस करते हैं टायरोसिन को, किसको? टायरोसिन। फाइनली यही ल्यूमेन के अंदर होता है बेटा ये सब, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? मोनो आयडो थायरोनिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं फाइनली? इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? मोनो आयोडो आयडो थायरोनिन, थायरोनिन, ठीक है? अब बेटा इसमें अगर दो आयोडीन और डाल दिए जाएं, अगर इसमें हम दो आयोडीन और डाल दें तो क्या बन जाएगा? ट्राईआयडो बन जाएगा, समझे? हाँ, और एक और एक्स्ट्रा डाल दें तो ये बन जाएगा। अब तुम्हें कहानी समझ में आ गई बेटा किस तरीके से फॉर्मेशन होता है? बोलिए। यस सर। चलिए। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा थायरॉयड ग्लैंड क्लियर। अब थायरॉयड ग्लैंड के कुछ फंक्शंस हैं और डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है? बोलिए। थायरॉयड के फंक्शंस और डेफिशिएंसी, दो चीज अपने पढ़ेंगे। आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब क्या क्या फंक्शन है, एक्शन क्या होता है बेटा? थायराइड हार्मोन जब रिलीज होता है तभी बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है। क्या होता है? फिजिकल मेंटल ग्रोथ, ठीक है? अगर कोई माँ के पेट में बच्चा है और उसको कैल्शियम नहीं दिया गया तो बच्चा पागल हो जाएगा, पागल पैदा होगा, रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड, स्टंटेड ग्रोथ के साथ। ओके, तो जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करा रहा है बेटा, ये किसके साथ मिलके कराता है? विथ HGH, HGH के साथ मिलके कराता है, ठीक है? HGH क्या है यहाँ पे? हाँ, HGH क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। बहुत अच्छे। अब बेटा जब दो हार्मोन मिलके काम करते हैं, यहाँ पे कौन कौन मिलके काम कर रहा है?
यहाँ पे आपका थायराइड, थायरोक्सिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिलके काम करते हैं, इसको बोलते हैं सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जब दो हार्मोन मिलके काम करते हैं तो हम उसको सिनर्जेस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं बेटा। एक आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज इन बीएमआर। बीएमआर बेटा क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी क्या चीज़ है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब क्या होता है सुनो। ये बेटा रेट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि हम कंज्यूम करते हैं कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो कि यूज होता है एटीपी बनाने में उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बात समझ में आई? सुन रहे हो पीयूष? वापस बोलूं? जो ऑक्सीजन यूज होता है हम कंज्यूम करते हैं बेटा, वो ऑक्सीजन जाके जब एटीपी बनाता है, जितना भी ऑक्सीजन यूज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी बनाने के लिए, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। क्लियर? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। ठीक है, चलिए दूसरी चीज बेटा। ये है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कराता है, शो करता है कैलोरोजेनिक, कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? शो कैलोरोजेनिक, कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। ये क्या होता है भाई? कैलोरीजेनिक इफेक्ट इंक्रीज करता है बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, हाँ, हीट एनर्जी टेम्परेचर बॉडी का राइज करता है बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप फॉर्म करता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इतना समझ में आया? एनसीईआरटी में ढूंढ रहे हो क्या आप? अब देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट मिला बेटा, फंक्शंस में देखिए थायराइड के अंदर। अच्छा, फंक्शंस डिफिशिएंसी और फंक्शंस के आसपास होगा। अभी अपने डिफिशिएंसी पढ़ रहे हैं बेटा, एक डिफिशिएंसी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये तो आपने तो लिखा हुआ है, तो क्यों फिर वैसा बोल रहे भाई? हाँ चलो सही है। चलिए आगे देखिए। ओके सर, चलिए आगे देखिए। ये बेटा प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस भी कराता है एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, ओके, इधर देखिए। अभी बेटा अगर प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड कम रिलीज हो, ठीक है, और क्या बता रहे हैं, इंक्रीज करता है लाइपोलाइसिस और इंक्रीज करता है प्रोटियोलाइसिस। समझे? लाइपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस बढ़ता क्या है भाई? ग्लूकोज बढ़ता है। जब फैटी एसिड टूटता है, आपको पढ़ा था आपने बीटा ऑक्सीडेशन, फिर बाद में डीएमिनेशन पढ़ा था ना, याद है? तो इससे होता क्या बेटा, ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी काम देता है। अब बीमारियों की बात करें बेटा, तो मैंने आपको बताया था मेंटल रिटार्डेशन और स्टंटेड ग्रोथ होती है। अभी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी में
सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन। क्या होता है? मेंटल मेंटल सर आज हो गया मेंटल रिटार्डेशन।